इस पूरे सौर मंडल में अब तक सिर्फ धरती पर ही जीवन मौजूद है, जहां अनेकों जीव जंतु और पेड़ पौधों के साथ साथ इंसान भी निवास करते हैं। हालांकि बीते कुछ सालों में धरती पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से भविष्य में हमारी पृथ्वी इंसानों के रहने लायक नहीं बचेगी और हमें सौर मंडल के दूसरे ग्रहों पर मानव बस्तियां बसानी होंगी। इस लिस्ट में मंगल ग्रह का नाम सबसे ऊपर आता है, जहां वैज्ञानिक परमाणु विस्फोट करके मानव बस्तियां बसाने पर विचार कर रहे हैं। लेकिन क्या ये काम इतना आसान होगा और इसे कैसे पूरा किया जाएगा? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। पृथ्वी पर धीरे धीरे खत्म हो रहा है जीवन। पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अहम और महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, जहां मानव समेत हर तरह का जीवन मौजूद है। धरती ने अपने निर्माण से लेकर अब तक कई तरह के बदलाव देखे हैं, लेकिन उन बदलावों की वजह से पृथ्वी का अस्तित्व कभी खतरे में नहीं पड़ा था। लेकिन वर्तमान में पृथ्वी बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण, न्यूक्लियर पावर, शहरीकरण और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है, जिसकी वजह से पृथ्वी का अस्तित्व लगातार खतरे में पड़ता जा रहा है। अगर धरती पर लगातार यही हालात बने रहे तो आने वाले कुछ सालों में पृथ्वी इंसानों या किसी जीव जंतु के रहने लायक नहीं बचेगी। पृथ्वी के इस बदलते और भयानक होते स्वरूप के लिए कहीं न कहीं इंसान ही जिम्मेदार है, जो अपने फायदे के लिए न सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा है, बल्कि पृथ्वी को खोखला भी करता जा रहा है। जंगलों की कटाई और बढ़ते प्रदूषण की वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्रों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में कुछ देश और शहर पानी में डूबने की कगार पर खड़े हैं, जबकि हर साल कई इलाकों में भयानक बाढ़ और सुनामी जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। इन सब के अलावा बढ़ती जनसंख्या भी पृथ्वी के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रही है, क्योंकि धरती पर इतना भूभाग मौजूद नहीं है कि वहाँ कई बिलियन आबादी एक साथ निवास कर सके। पृथ्वी के एक बड़े हिस्से में महासागर मौजूद है, जबकि बाकी बचे हिस्से में नदियाँ, जंगल, पहाड़ और समतल भूमि है। ऐसे में इंसान पानी के ऊपर तो घर नहीं बसा सकता है और समतल भूमि पर पहले से ही मानव बस्तियां मौजूद हैं। ऐसे में इंसानों के लिए पृथ्वी पर अपना अस्तित्व बनाए रखना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। इसके अलावा पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाए रखने वाली ओजोन लेयर भी लगातार पतली होती जा रही है, जबकि उसमें छोटा सा सुराख भी हो गया है। ऐसे में ये तमाम चीजें एक साथ मिलकर पृथ्वी से उसके जीवनदायक होने का वर्चस्व छीन रही हैं, जिसकी वजह से नीले ग्रह पर जीवन संकट में पड़ रहा है। अगर इसी तरह जनसंख्या बढ़ती रही, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता रहा, तो आने वाले 200 सालों में इंसानों को हर हालात में पृथ्वी को छोड़कर किसी दूसरे ग्रह या उपग्रह पर जीवन बसाना होगा। ऐसे में पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह मंगल को मानव जीवन की शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है, क्योंकि लाल ग्रह की बनावट और स्थिति काफी हद तक धरती से मिलती जुलती है। लेकिन इसके बावजूद भी मंगल ग्रह पर जीवन की शुरुआत करना और मानव बस्तियां बसाना आसान नहीं है, क्योंकि इस ग्रह पर वातावरण से लेकर हर प्राकृतिक चीज का निर्माण इंसान को खुद ही करना होगा। ऐसे में जाहिर सी बात है कि वैज्ञानिकों के सामने मंगल ग्रह को जीवन जीने लायक बनाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम साबित होगा, जिसका हल उन्होंने परमाणु विस्फोट के रूप में खोजा है। मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां बसाने का आइडिया स्पेसएक्स कंपनी के मालिक एलन मस्क का है, जो पिछले कई सालों से मंगल ग्रह को पृथ्वी के विकल्प के रूप में तैयार करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। इसके अलावा मंगल ग्रह की परिस्थितियों को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक विभिन्न प्रकार के शोध भी कर रहे हैं, ताकि वहाँ के वातावरण समेत अन्य जानकारियों को इकट्ठा किया जा सके। हालांकि अब तक वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोधों से ये पता चलता है कि मंगल ग्रह का वातावरण इंसान के रहने लायक नहीं है, जिसकी वजह से वहां इस तरह की परिस्थितियां तैयार करनी होंगी जिसमें इंसानी जीवन आसानी से फल फूल सके। दरअसल मंगल ग्रह का वातावरण बहुत ज्यादा सूखा और ठंडा है, जिसकी वजह से इंसान का सीधे वहां बस पाना संभव नहीं है। हालांकि लाल ग्रह पर पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसे महत्वपूर्ण तत्व भी मौजूद हैं, जो जीवन की शुरुआत करने के लिए अनुकूल साबित हो सकते हैं। पृथ्वी और मंगल ग्रह के घूमने की गति भी लगभग एक जैसी है, इसलिए अगर इंसान पृथ्वी को छोड़कर मंगल ग्रह पर बस जाता है तो उसे साल या दिन के बीच ज्यादा अंतर महसूस नहीं होगा। मंगल ग्रह के पास भी अपना वातावरण मौजूद है,
हालांकि वह पृथ्वी के वातावरण के मुकाबले काफी पतला और हल्का है। मंगल ग्रह पर पर्याप्त हवा और सूर्य की रोशनी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये ग्रह पृथ्वी के मुकाबले ज्यादा ठंडा साबित हो सकता है। इसका वायुमंडल पतला है, इसलिए सूरज की हानिकारक रेडिएशन मंगल ग्रह पर रहने वाले लोगों पर सीधा हमला कर सकती है। इसके अलावा लाल ग्रह का वायुमंडल 95% कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है, जिसकी वजह से इसके अंतर्गत रहने वाले लोगों को सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। मंगल ग्रह पर बसने के दौरान इंसान को अंटार्कटिका में बसने का एहसास होगा, क्योंकि इस ग्रह का अधिकतम तापमान पृथ्वी के न्यूनतम तापमान के बराबर है। हालांकि इन सभी असमानताओं के बावजूद भी वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर धरती की तरह जीवन शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मंगल के अलावा अन्य ग्रहों पर मानव जीवन की कल्पना कर पाना फिलहाल असंभव है। ऐसे में वैज्ञानिक मंगल ग्रह को अपनी जरूरत के हिसाब से बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि भविष्य में वहां मानव बस्तियां बसाकर एक सामान्य जीवन की शुरुआत की जा सके। हालांकि इस काम को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा और समय खर्च होगा, जबकि तकनीकी और पर्यावरण संबंधी समस्याओं का हल खोजना भी बहुत बड़ी चुनौती साबित होगा। मंगल ग्रह पर परमाणु विस्फोट। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि एलन मस्क मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां बसाने को लेकर लगातार काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी कंपनी स्पेसएक्स अन्य स्पेस एजेंसियों के साथ काम करके मंगल ग्रह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। एलन मस्क की माने तो मंगल ग्रह पर परमाणु विस्फोट करके उसके पतले वायुमंडल को घना करना होगा, ताकि सूरज की हानिकारक रेडिएशन को मंगल ग्रह की सतह तक पहुंचने से रोका जा सके। अगर वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर परमाणु विस्फोट करके उसको धरती की तरह रहने लायक बना सकते हैं, तो पृथ्वी पर मंडरा रहे खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। एलन मस्क का मानना है कि मंगल ग्रह पर किए जाने वाले परमाणु विस्फोट कृत्रिम सूर्य की तरह काम करेगा, जो लाल ग्रह पर मौजूद बर्फ के ग्लेशियर को पिघलाने के साथ साथ यहाँ मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम भी करेगा। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड मंगल ग्रह को चारों तरफ से कवर कर लेगी, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट तैयार होगा। इसकी वजह से मंगल ग्रह की ठंडी जलवायु धीरे धीरे गर्म होने लगेगी और ये ग्रह धीरे धीरे जीवन की शुरुआत करने लायक तैयार हो जाएगा। मंगल ग्रह का वायुमंडल मोटा होते ही इस ग्रह को हरा भरा बनाना आसान हो जाएगा, जबकि यहाँ खेती करना और भोजन संबंधी चीजों को जुटाने की समस्या भी हल हो जाएगी। वैज्ञानिकों के पास मंगल ग्रह के वातावरण को गर्म करने का कोई दूसरा तरीका मौजूद नहीं है, क्योंकि इस ग्रह तक सूर्य की पर्याप्त रोशनी नहीं पहुंच पाती है। मंगल ग्रह पर सूर्य की हानिकारक रेडिएशन पहुंचती है, जो इस ग्रह की सतह को सूखा बनाने का काम करती है। इसलिए एलन मस्क परमाणु विस्फोट के जरिए मंगल ग्रह की जलवायु को कृत्रिम तरीके से गर्म करना चाहते हैं, ताकि वहां इंसानी जीवन शुरू करने लायक परिस्थितियों को तैयार किया जा सके। अगर मंगल ग्रह की जलवायु थोड़ी गर्म हो जाती है, तो इस ग्रह पर मानव बस्तियां बसाना आसान हो जाएगा। एलन मस्क की माने तो मंगल ग्रह पर इंसानी बस्तियां कांच के गुंबद जैसी होंगी, यानी लाल ग्रह पर इंसान के घर धरती की तरह विशालकाय इमारतों की तरह नहीं होंगे। वर्तमान में मंगल ग्रह का अधिकतम तापमान -48 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जिसकी वजह से यहां धरती की तरह सामान्य जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसके अलावा अभी मंगल ग्रह के पास सूर्य की हानिकारक रेडिएशन से बचने के लिए कोई ताकतवर रक्षा कवच नहीं है, जिसकी वजह से इस वातावरण में इंसान का रहना असंभव है। हालांकि एलन मस्क का कहना है कि साल 2050 तक मंगल ग्रह की जलवायु को परमाणु विस्फोट के जरिए गर्म करके वहां पहली मानव बस्ती बसाई जा सकती है, जिसके लिए उनकी कंपनी लगातार काम कर रही है। मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बसाने के लिए इस ग्रह के किसी एक हिस्से पर भारी भरकम और ताकतवर परमाणु बम दागने होंगे, जिससे होने वाले विस्फोट की वजह से काफी ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। हालांकि मंगल ग्रह पर इस विस्फोट को अंजाम देने के लिए कई लाख परमाणु बमों की जरूरत होगी, जबकि उन्हें दागने के लिए ताकतवर मशीनों और रॉकेट्स को भी तैयार करना होगा। परमाणु विस्फोट से मंगल ग्रह की जलवायु गर्म होने के बाद वहां एक कृत्रिम वातावरण तैयार करना होगा, जबकि इंसानों के सांस लेने लायक ऑक्सीजन की आपूर्ति भी करनी होगी। इस परमाणु विस्फोट से मंगल ग्रह को सूर्य की हानिकारक रेडिएशन से बचने के लिए रक्षा कवच तो मिल जाएगा,
लेकिन मंगल ग्रह पर खेती करना और फसल को सूर्य की गर्मी से पकाने के लिए भी कोई तरीका खोजना होगा। खत्म हो सकता है मंगल ग्रह का अस्तित्व। स्पेस एक्स कंपनी के मालिक एलन मस्क ने मंगल ग्रह पर कृत्रिम वातावरण तैयार करके इंसानी बस्तियां बसाने का आइडिया तो दे दिया है, लेकिन ये काम कल्पना के विपरीत बहुत ही मुश्किल और खर्चीला भी साबित होगा। इसके अलावा मंगल ग्रह पर परमाणु विस्फोट को अंजाम देने वाले वैज्ञानिकों की जिंदगी भी खतरे में होगी, क्योंकि परमाणु शक्ति बहुत ही ताकतवर और विनाशकारी साबित होती है। मंगल ग्रह पर परमाणु विस्फोट करने के लिए वैज्ञानिकों को ताकतवर मिसाइल और रॉकेट का निर्माण करना होगा, जिसके बाद उन्हें लॉन्च करके मंगल ग्रह की सतह पर विस्फोट को अंजाम दिया जाएगा। भले ही ये तकनीक बहुत ही आसान और रोमांचक महसूस होती है, लेकिन जमीन स्तर पर इस काम को करना धरती वासियों के जीवन को संकट में डालने वाला कदम साबित होगा। इसके अलावा इस काम में बहुत ज्यादा पैसा और समय भी बर्बाद होगा, क्योंकि हजारों की मात्रा में परमाणु बमों को तैयार करके उन्हें मिसाइल की मदद से लॉन्च कर मंगल ग्रह की सतह तक पहुंचाना बहुत ही मुश्किल काम है। इसके अलावा वैज्ञानिक इस बात पर भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं कि मंगल ग्रह पर परमाणु विस्फोट करके कृत्रिम वातावरण तैयार करने में इंसान को कितनी सफलता मिल सकती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह पर परमाणु विस्फोट करने से वहां का तापमान गर्म होने के बजाय ज्यादा ठंडा हो सकता है, क्योंकि परमाणु विस्फोट से निकलने वाली राख और धूल मंगल ग्रह को पूरी तरह से ढक देगी। ऐसे में लाल ग्रह तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से मंगल ग्रह पहले के मुकाबले और भी ज्यादा ठंडा और बर्फीला हो जाएगा। इस स्थिति में मंगल ग्रह पर कृत्रिम वातावरण तैयार होने के बजाय वहां न्यूक्लियर हिमयुग की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि परमाणु विस्फोट से निकलने वाली राख और धूल की मोटी चादर कई सालों तक मंगल ग्रह को चारों तरफ से कवर करके रखेगी। ऐसे में इंसान के लिए मंगल ग्रह के तापमान को सामान्य तक ले जाना भी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, जबकि लाल ग्रह की मौजूदा परिस्थितियां भी काफी हद तक बदल जाएंगी। इतना ही नहीं, परमाणु विस्फोट से निकलने वाली भयानक रेडिएशन मंगल ग्रह को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती हैं, जिसकी वजह से इंसान का इस ग्रह पर बसने का सपना हमेशा हमेशा के लिए टूट सकता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि परमाणु विस्फोट से निकलने वाली रेडिएशन कितनी खतरनाक होती है और उसकी चपेट में आने वाला भूभाग पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, जहां ना तो इंसानी बस्तियां बसाई जा सकती हैं और ना ही वहां पर खेती की जा सकती है। ऐसे में अगर वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर परमाणु विस्फोट करते हैं तो संभव है कि इस ग्रह को विस्फोट से निकलने वाली भयानक रेडिएशन का सामना करना पड़े, जिसकी वजह से मंगल ग्रह का वो हिस्सा पूरी तरह से नष्ट हो जाए और वहां पर इंसानी बस्तियां बसाना असंभव हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो पृथ्वी का एकमात्र वैकल्पिक ग्रह मंगल भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, या फिर वहां जीवन बसाने लायक सभी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि परमाणु विस्फोट से निकलने वाली हानिकारक रेडिएशन पानी से लेकर जमीन और धूल के कणों तक को पूरी तरह से प्रभावित कर देती हैं। ऐसे में इस विस्फोट की वजह से मंगल ग्रह पर लाखों साल तक परमाणु रेडिएशन के एक्टिव तत्व देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से वहां किसी मिशन या रोबोट तक को भेजना भी मुश्किल हो जाएगा। इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि एलन मस्क का मंगल ग्रह पर परमाणु विस्फोट वाला आइडिया बहुत ही खतरनाक है, जिसके सफल होने के चांस बहुत ही कम है। अगर भविष्य में वैज्ञानिक इस आइडिया पर चलते हुए मंगल ग्रह पर परमाणु विस्फोट करते हैं तो उसका नतीजा बहुत ही भयानक साबित हो सकता है। हालांकि ये भी संभव है कि परमाणु विस्फोट की वजह से मंगल ग्रह पर कृत्रिम वातावरण तैयार हो जाए, लेकिन इसका चांस मात्र 5% ही है, जबकि 95% चांस है कि परमाणु विस्फोट से मंगल ग्रह पर पनप रही माइक्रोबियल लाइफ भी नष्ट हो जाएगी। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि मंगल ग्रह पर परमाणु विस्फोट करके मानव बस्तियां बसाने का प्लान बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, जबकि ऐसा करने पर धरतीवासियों का जीवन भी मुश्किल में पड़ जाएगा। मंगल ग्रह पर विस्फोट करने के लिए वैज्ञानिक बहुत ज्यादा मात्रा में परमाणु बम तैयार करेंगे, जिससे प्राकृतिक संसाधनों की खपत दोगुना तक बढ़ जाएगी। इसके अलावा रॉकेट और मिसाइल लॉन्च से निकलने वाली हीट की वजह से पृथ्वी का तापमान भी प्रभावित होगा,
जिससे जलवायु परिवर्तन का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इन सभी कारणों की वजह से पृथ्वी पर मौजूद जिंदगी भी तेजी से खत्म होने लगेगी, जिसकी वजह से इंसान के पास ना तो पृथ्वी पर रहने का विकल्प बचेगा और ना ही मंगल ग्रह तक पहुंचने का साधन होगा। मंगल ग्रह पर परमाणु विस्फोट करना क्या सही होगा? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।